दोस्तों, आस्थि के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ये खूबसूरत सा बेबी स्वेटर बनाएंगे। स्वेटर 2 से 2.5 साल के बेबी के लिए है। इसकी लंबाई है लगभग 14 इंच और चौड़ाई है 11 इंच। ये स्वेटर आस्तीन से शुरू होता है, यानी ये इस तरह आगे बढ़ेगा। तो पहले पार्ट में हम आस्तीन बनाएंगे, फिर हम इसका ये मेन बॉडी पार्ट बनाएंगे और उसके बाद चौथे पार्ट में हम वापस इसके दूसरे आस्तीन को बनाएंगे। पांचवें पार्ट में हम इसका गला बनाएंगे। तो देखिए ये कितना खूबसूरत सा गला है। तो पांचवें पार्ट में हम इसका गला बनाएंगे और इसको मैंने 40 फंदों से शुरू किया है। सबसे पहले हम 10 नंबर की सिलाई पे 40 फंदे डालेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, यानी सिंगल रिब में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिंगल रिब में यानी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए 1.5 इंच का बॉर्डर बना लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम 6 फंदे बढ़ाएंगे। इसके लिए पहला फंदा स्लिप कर लिया, अगला फंदा सीधा। अब देखिए हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये सीधा फंदा है, तो इसके एक लाइन नीचे आके एक सीधा फंदा बनाएंगे, फिर जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। फिर हम कुछ फंदे बुन लेंगे। और फिर हम ऐसे ही एक फंदा बढ़ाएंगे। सीधा फंदा है तो एक लाइन नीचे आके तब एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर जो सिलाई में फंदा लगा है उसमें सीधा। तो ये हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया। या फिर हम एक फंदे को 2 बार बुन के, यानी एक बार हमने सीधा बुन लिया और फिर इसी फंदे को बैक लूप से एक बार और सीधा बुन देंगे, तो ये हमारा 2 फंदा हो गया, यानी यहाँ पे हमने तीसरा फंदा बढ़ा लिया। हम जाली देते हुए भी सीधा फंदा बना सकते हैं, यानी ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बुनेंगे और लौटते समय इसको जब घुमा देंगे तो यहाँ पे एक और फंदा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा चौथा फंदा हो गया। तो टोटल हम 6 फंदे बढ़ा लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब यहाँ देखिए, हमने जाली देके फंदे बढ़ाया था, तो इसे इस जाली को हम ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हम किसी भी विधि से हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं। तो हमने 6 फंदे बढ़ा लिए और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुनेंगे। अब हम अपना सेकेंडरी कलर लगाएंगे और एक फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर अगला फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, नेक्स्ट फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, नेक्स्ट प्राइमरी कलर से उल्टा। एक फंदा हम सेकेंडरी कलर से उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा, नेक्स्ट फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा, फिर प्राइमरी कलर से उल्टा, नेक्स्ट सेकेंडरी कलर से उल्टा, अगला प्राइमरी कलर से उल्टा। यानी हमें दोनों कलर से एक एक फंदे उल्टे बुनने हैं। एक बार एक कलर से उल्टा बुनेंगे तो दूसरी बार हमें दूसरे वाले कलर से उल्टा बुनना है। इस तरह करते हुए हम सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा प्राइमरी कलर से उल्टा बुनते हुए और अगला फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं और जिस फंदे को, और यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई कि अब हम अपना सिलाई बदल देंगे और 9 नंबर पे बुनाई करना शुरू कर देंगे।
जो फंदा जिस कलर से बुना गया है उसी फंदे को उसी कलर से अब हमें सीधा बुनना है। रॉन्ग साइड से देखिए हम सीधा बुन रहे हैं और जो कलर जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से सीधा। एक फंदा सेकेंडरी कलर से सीधा, अगला फंदा प्राइमरी कलर से सीधा। देखिए ये सेकेंडरी कलर से है तो इसे सेकेंडरी कलर से सीधा बुनेंगे, अगला फंदा प्राइमरी कलर से है तो इसे प्राइमरी कलर से सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्राइमरी कलर के फंदे को प्राइमरी कलर से और सेकेंडरी कलर के फंदे को सेकेंडरी कलर से सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर ली है और देखिए कितना खूबसूरत सा डिजाइन बन के तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पे अपना प्राइमरी कलर का धागा काट देंगे और इसको गांठ लगा लेंगे। अब हम 6 लाइन तक सभी फंदे प्लेन बुनेंगे, सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। तो 6 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब ये डिजाइन के बाद से 7वां लाइन है। तो अब हम दोनों साइड में एक एक फंदे बढ़ाएंगे, तरीका वही रहेगा, तरीका आप कोई भी अपना सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ फंदे बढ़ाने से है। तो मैं सीधा फंदा है उसके एक लाइन नीचे से एक सीधा फंदा बना लूंगी और फिर सिलाई पे एक सीधा। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो सभी फंदे सीधा बुनते हुए मैं सेकंड लास्ट पे पहुंच गई हूँ। तो इस फंदे में भी हमें दो फंदा बनाना है, एक फंदा हम नीचे से सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा सिलाई के फंदे पे सीधा। तो यहाँ पे हमने दो फंदे बना लिए। अब लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो अब हम हर 7वीं लाइन में दो फंदे बढ़ाएंगे, दोनों साइड से एक एक फंदे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 21वां लाइन है। तो इस लाइन में हम अपना प्राइमरी कलर फिर से अटैच करेंगे, एक फंदा हम प्राइमरी कलर से उल्टा बुनेंगे और अगला फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, अब ये हमने उल्टा बुना तो अब इसको नीचे कर देंगे और दूसरे वाले उनको उठाएंगे और तब उल्टा बुनेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने ये उल्टा बुना, अब हम इसको ऐसे नीचे रखेंगे और तब दूसरे वाले को उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे। अब ये हमने उल्टा बुना, अब इसको नीचे कर देंगे। अब देखिए इस कलर से हमें उल्टा बुनना है तो इसको उठाएंगे, उल्टा बुनेंगे और अब इसको नीचे रख देंगे और फिर इस वाले कलर को उठाएंगे और तब उल्टा बुनेंगे। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये डिजाइन नहीं बन पाएगा। यदि हमने ऐसे ही, देखिए अब हमें इस कलर से बुनना है, यदि हमने ऐसे ही बुन दिया, इसको नीचे नहीं किया तो फिर ये डिजाइन नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए हमें जिससे हमने बुन लिया है उसको हमें नीचे रखना है, फिर दूसरे वाले को उठाना है और इस ऊन के ऊपर से इसको ले जाना है। इस बात को का हमें ध्यान रखना होगा। अब हमने इसके ऊपर से ऐसे ले जाएंगे, उल्टा बुनेंगे और फिर अब इसको नीचे करेंगे और दूसरे वाले कलर को उठाएंगे और बुने हुए ऊन के ऊपर से हम ऐसे ले जाएंगे। अगर हमने इसका ध्यान नहीं दिया तो फिर ये डिजाइन नहीं बन पाएगा। हमें अल्टरनेट बुनना है और ये ऊन हमेशा बुने हुए ऊन के ऊपर से जाएगा। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए और देखिए डिजाइन ऐसे लिपटा हुआ बनके तैयार हुआ है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और अब हमें सभी फंदों को सीधा बुनना है, जो जिस कलर में है उसी कलर से सीधा। और पैटर्न यही रहेगा, अब इसको नीचे करेंगे और दूसरे वाले को उठाएंगे, सीधा बुनेंगे। अब इसे नीचे करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे, सीधा बुनेंगे। इसमें भी हमें ये ध्यान रखना होगा
बुनने के बाद इसे नीचे करना है और नीचे से इसको उठाना है दूसरे वाले उनको और सीधा बुनना है। फिर हम इसको नीचे करेंगे, पहले वाले को उठाएंगे, सीधा बुनेंगे, नीचे करेंगे, अब इसे नीचे किया, पहले वाले को उठाएंगे, सीधा बुनेंगे, अब इसे नीचे किया और दूसरे वाले को उठाएंगे, सीधा बुनेंगे, तो ये हमारा डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा, तभी हमारा ये डिजाइन बनके तैयार होगा। हमें ऐसे इसको लपेटना है। देखिए, यूं किया, दूसरे वाले को उठाएंगे, सीधा बुना, अब इसे नीचे किया, इसे उठाया और सीधा बुना। तो हमने ये डिजाइन 20 लाइन के बाद यानी 21वें लाइन में बनाया है। तो हर 21वें लाइन बाद अब नेक्स्ट 21वें लाइन पे हमें ये डिजाइन बनाना होगा। तो हर 7वें लाइन पे फंदा बढ़ाते हुए हमें 60 फंदा करना है। हमने 40 फंदे से बॉर्डर बनाया था, बॉर्डर के बाद 6 फंदा बढ़ाया तो हो गया 46। तो हर 7वीं लाइन में फंदे बढ़ाते हुए हमें 60 फंदे करने हैं। तो हमने 40 फंदे का बॉर्डर डाला, सिंगल रिब में हमने बॉर्डर 1.5 इंच तक बनाया, उसके बाद 6 फंदे यहाँ बढ़ाए तो हो गए 46 फंदे। फिर 2 लाइन का ये डिजाइन, 2 डिजाइन के बीच में हमने 20 लाइन का गैप रखा है, 2 डिजाइन के बीच में 20 लाइन का गैप रखा है, और हर 7वें लाइन पे हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं, एक इस साइड में, एक इस साइड में। तो हर 7वें लाइन पे 2-2 फंदे बढ़ाते हुए हमने 60 फंदे कर लिए हैं। और अब 60 फंदे हो जाने के बाद हमें कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं, बस हमको सीधा उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करना है, यानी तीसरे डिजाइन को। ये हमने 3 लाइन बना दिया है, चौथे लाइन को बनाने के लिए हमें बीच में 20 फंदे का गैप चाहिए। तो 20 लाइन कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। अब हमें एक भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं, सिर्फ आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करना है। तो 20 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने 20 लाइन कंप्लीट कर लिया है, और अब यहाँ पे अपना हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। और एक फंदा सीधा बुनेंगे, सॉरी, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, और फिर दूसरे कलर के उनसे एक फंदा उल्टा। हमको सभी फंदे उल्टा बुनने हैं, लेकिन अल्टरनेट कलर से उल्टा बुनना है। एक बार पहले कलर से उल्टा, फिर दूसरे कलर से उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों कलर से अल्टरनेट उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, और फिर हमें दोनों कलर से अल्टरनेट सीधा बुनते हुए, जो जिस कलर का है उसी कलर से हमें सीधा बुनना है। जो जिस कलर से बुना गया है उसी कलर से हमें उस फंदे को सीधा बुनना है। तो अल्टरनेट हमने दोनों कलर से सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारा आस्तीन बनके तैयार हो गया है। इस समय इसकी लंबाई है 10 इंच, लगभग 10 इंच इसकी लंबाई है। तो इसके साथ ही ये पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में हम मिलेंगे।